गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंसंट्रेशन सेल को एक एग्जांपल के साथ में समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है 298 केल्विन पर निम्न अभिगमन युक्त सांद्रता सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए, और सेल दे रखा है सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, फिर सिल्वर नाइट्रेट उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, और सिल्वर, दो सिल्वर इलेक्ट्रोड है जो कि अलग अलग कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप किए हुए हैं, और ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है NO3 माइनस आयन का, अर्थात ये जो सेल है वह धनायन के प्रति उत्क्रमणीय है। नंस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ई सेल का मान जीरो होता है कंसंट्रेशन सेल के लिए, जो कि हम बाद में इसको नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए एट एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, सिल्वर सिल्वर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है 0.005 कंसंट्रेशन के जी प्लस में, कैथोड पे जो रिएक्शन होती है उसमें सिल्वर प्लस 0.5 कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी ए जी प्लस 0.5 कंसंट्रेशन का और ए जी प्लस 0.005 कंसंट्रेशन का। नंस इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं हम, माइनस टी माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 0.005 अपॉन 0.5, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ की 0.00632। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू भी साथ में पुट करनी है, एन का मान 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम और दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।